31 अक्टूबर 2021 ये वही डेट होगी जिस दिन आपका भविष्य तय होगा, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 31 अक्टूबर 2021 को होगा। आई होप सबकी बेस्ट प्रिपरेशन चल रही होगी। इवनिंग बूस्टर में दोस्तों हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और आप इस इवनिंग बूस्टर के माध्यम से खुद को चेक करते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में लगाते हैं, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, जल्दी से बताना है हमारे सौरमंडल के केंद्र में से कौन सा है, जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है प्रोफेशनल्स के अंडर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, देन जल्दी से व्हाट्सएप करिए, कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस इसमें रहती है, और फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवाश्म फॉसिल प्लैनेट की यहाँ पर बात हुई है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि मून। सबका आंसर सही होना चाहिए, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून सबको आता होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, रेडियो संचार में कौन सी वायुमंडलीय परत भूमिका निभाती है। देखिए ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वायुमंडलीय, आपको सब कुछ क्लियर करके जाना है जितनी भी लेयर्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको चेकआउट कर लेना, सबके उन सभी लेक्चर्स को आप अटेंड कर डालिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से आपने बताना है, आयनोस्फीयर। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है यहाँ से। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विक्टोरिया झील किस जिले में स्थित है। इवनिंग बूस्टर का मतलब ये दोस्तों कि आपको खुद को चेक करना है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट रहता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफ्रीका, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप सबके आंसर सही जा रहे हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्थायी पवन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, यानी कि दोस्तों नॉट कैटेगराइज्ड एज पर परमानेंट विंड, याद रख लेना मानसून इसका जो बिल्कुल सही होगा, मानसून विंड जो है उसको स्थायी पवन के रूप में वर्गीकृत कैटेगराइज नहीं किया गया है, बाकी सभी हैं। ट्रेड विंड की बात करें, वेस्टलाइज की बात करें, या फिर पोलर विंड की बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स में बार बार हाईलाइट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीनस। आई होप सबके आंसर सही जा रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने लिए, क्योंकि आपकी मेहनत है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार क्वेश्चंस हाईलाइट हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटका में है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट बोटेनिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड की बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना इसका सही आंसर होगा देहरादून। सबके आंसर सही हो रहे हैं मुझे मालूम है। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्री प्लांटिंग से ये संबंधित है दोस्तों, ये वन महोत्सव सबका आंसर जो है वो आना चाहिए। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य की बात हुई है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटका जो है वो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरला में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, चाहे मैं सुंदरबंस की बात करूँ या फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करूँ, बहुत कुछ हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशन करनी है प्रोफेशनल्स के अंडर, फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ वो सभी अनलिमिटेड टेस्ट अगर आपको लगाने हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन सब टॉपिक्स के माध्यम से क्लियर करना है, व्हाट्सएप आप कर लीजिए, 100% आपको यहाँ पर चैलेंज कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल चैलेंज है ये। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करके ये पूरा का पूरा पैकेज ज्वाइन करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, ये चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, पूरे विश्व में विश्व वानिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 21 मार्च, इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान में भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन संपदा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बात होगी लार्जेस्ट फॉरेस्ट वेल्थ इन एट प्रेजेंट की बात करेंगे, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, काराकोरम वन्य जीव
अभयारण्य में है। अब देखिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा, लेकिन क्वेश्चन हाईलाइट ही पूछा जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नागरू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सभी को आंसर मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश में है। अब जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए, फुल क्रैश कोर्स की जानकारी ले लीजिए। पीडीएफ इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ये अपडेट हो जाएगी। और देखिए बेस्ट प्रिपरेशंस करो, वही पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा अगर आप करते रहेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में आ सकती है। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर चलो, आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, नहीं पता लग रहा है स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस पेपर में एनालाइज नहीं करने आ रहा है, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट रिपीटेड हाईलाइटेड क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज नहीं क्लियर हो रही है, जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना। 31 अक्टूबर 2021 को आपका बेस्ट पेपर हो जाएगा, ये चैलेंज है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तो जुड़े रहिए इसी के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।